हेलो एवरीवन, अ स्टोरी टाइम विद राम रैना में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज एक नई और शानदार स्टोरी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका शीर्षक है एक चुप सो सुख। एक गांव में जमींदार और जमींदारनी रहते थे और उनके बीच में हमेशा थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर अनबन होती रहती थी। जैसे ही जमींदार घर आता, वो किसी न किसी बात पर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती और वो लड़ाई अलग सा माहौल क्रिएट कर लेती और वो अशांत सा माहौल हो जाता। वो घर का रात के अंदर जो बनाया हुआ खाना है वो भी नहीं खाते और इस तरह से जमींदार और जमींदारनी के बीच में ये जो लड़ाई झगड़े की जो सीरीज है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती। अब यही बात उसे जमींदारनी को बहुत बुरी लगती, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। एक दिन वो एक गांव में अपने रिश्तेदार के पास गई और रिश्तेदारनी के वहां पर उसे एक बुढ़िया मिली। वो बुढ़िया से उसने अपनी दास्तां बयां की कि ऐसे ऐसे होता है। बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, इसका इलाज मेरे पास है, ये शीशी लेके जाओ, इसके अंदर जो दवाई है वो मुंह में रखना, न निगलना, न आप उसको थूकना है जब भी झगड़ा हो तब। जमींदारनी वो शीशी घर लेकर गई। जमींदार जब भी घर आता, उससे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करता, वो तुरंत वो दवाई मुंह में रख लेती और इस तरह से ऐसे कंटिन्यूअस कुछ दिनों तक चलता रहा। जमींदार के व्यवहार में बदलाव आने लगा, क्योंकि वो झगड़ा जैसे ही शुरू करता वो खुद ठंडा हो जाता और इस तरह से उसके स्वभाव में इतना बदलाव आया कि वो झगड़ा करने से परहेज करने लगा, क्योंकि उसे रिप्लाई में कुछ मिलता ही नहीं था। और यही चीज जमींदारनी को ऐसा लगा कि अरे वाह, ये दवाई बहुत ही ज्यादा कारगर है। अब वो दवाई लेकर बुढ़िया के पास जाती है कि बताया कि ये बहुत जबरदस्त दवाई है, अभी इसको मुझे बता दो जिससे कि मैं ये घर में बना सकूं। बुढ़िया ने कहा बेटा, ये जो दवाई है ये तुम्हारे लिए एक सबक है कि जैसे इसमें सिर्फ पानी दिया मैंने और कुछ नहीं दिया। तो वो जमींदारनी हैरान हो जाती है, अरे सिर्फ पानी था? बोला हाँ, ये पानी जब तुमने मुंह में रखा तो जब भी जमींदार तुमसे लड़ाई करता तुम उसे प्रतिउत्तर देती नहीं। जब तुम उसे प्रतिउत्तर ही देती नहीं, उसके साथ उस लड़ाई के अंदर हिस्सा ही नहीं लेती, तो धीरे धीरे उस लड़ाई का खत्म होना स्वाभाविक है। दोस्तों, यही सीख आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि जब पति पत्नी झगड़ा होता है तो एक ने अगर शांत है तो वो 100 सुख प्राप्त करता है। इसके साथ साथ जब बच्चों में भी लड़ाई होती है, पेरेंट्स और टीचर के बीच में भी आजकल बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तब एक अगर शांत रहे और सुने समझे तो दूसरा उस बात को धीरे धीरे समझ जाएगा कि गलती किस बात से शुरू हुई और कहां तक जाएगी। तो बस आप एक चुप 100 सुख को अगर प्राप्त करना है तो इस फॉर्मूले को आप हर जीवन में हर जगह अपनाएं और सुखी रहें।